लॉकडाउन को लेकर किशनगंज के चेक पोस्ट का चाक चौबंद कैसा है। हम बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों जब किशनगंज में कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो फिर किशनगंज के चेक पोस्ट की तस्वीर बदल गई। गाड़ियों पर रखी जाती है पैनी नज़र। अगर किसी को किशनगंज शहर के मध्य क्षेत्र में जाना रहता है तो उन्हें पहले वरीय पदाधिकारी के समक्ष दे देते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाता है। बंगाल बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र जहां गाड़ियों का लगातार तांता लगा रहता है, 2400 घंटे जहां गाड़ियां लगातार दौड़ती रहती है, लॉकडाउन में किस प्रकार से यहां अनुपालन किया जा रहा है, वह किशनगंज सीमावर्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बचाने के लिए यहां के पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं, यहां के प्रशासन क्या कर रहे हैं, इस संबंध में हम जानकारी लेते हैं। एएसआई किशनगंज एएसआई धर्मपाल से खास बातचीत, रिजवान आलम की खास बातचीत जो आपको जानकारी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आंखों देखी। अभी किशनगंज के पैरेट चेक पोस्ट पर यहाँ पे हैं सर। इस लॉकडाउन में जो बहुत जल्दी बहुत तरह से बीमारी को देखा जा रहा है, इसके लिए सर आप किस तरह से यहाँ के लोगों के लिए अपन देख रहे हैं? हम लोग का यहाँ चेक पोस्ट में ड्यूटी दिया गया है ना, कि यदि कोई बाहर से आ रहा है और उसको किशनगंज में भी रुकना है तो पहले उसको बड़े पदाधिकारी को सूचित करना है और उसको क्वारंटाइन सेंटर में रखना है ताकि यहाँ संक्रमित एक ताकि संक्रमित ताकि उसमें ये पता चले ना कि कहीं आदमी को लेके नहीं जा रहा है। कितना ट्रक में होता है कि तिरपाल से ढक करके आदमी को लेके चल जाता है। ऐसा कोई केस यहाँ पर अभी तक देखने को मिला? हाँ मिला था, शुरुआती दौर में ऐसा कुछ मिला था, ट्रक से पिकअप से आपका पिकअप वगैरह सब से मिला था। हम PSI धर्मपाल।